प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमर तोड़ महंगाई पथयात्रा का आगाज गत दिवस धर्मशाला में किया गया। इस जिला स्तरीय रैली का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। धर्मशाला के कोतवाली बाजार से लेकर डीसी कार्यालय तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने एक रोष रैली निकाली। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू ने कहा कि ये रैली केंद्र की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में निकाली गई है। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 15 दिन तक जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं महंगाई पथयात्रा का समापन 26 मई को किया जाएगा और इस दिन पूरे प्रदेश में ब्लॉक व जिला स्तर पर 2 किलोमीटर तक की पथयात्रा की जाएगी। सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने 4 साल पहले देश की जनता से जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि जनता की सारी उम्मीदें भाजपा सरकार ने धराशायी कर दी हैं। इस अवसर पर डीसी की गैर मौजूदगी में एडीसी के सरोज को सौंपा गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं सांसद चौधरी चंद्र कुमार, पूर्व प्रवक्ता केवल सिंह पठानिया सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला किया गया कि मोदी साहब के 4 साल पूरे हो जाएंगे। 26 मई को वो इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस पार्टी ने 15 दिन का कार्यक्रम तय किया और उसका आगाज आज हमने कांगड़ा, जो सबसे बड़ा जिला है और उसका हेडक्वार्टर्स धर्मशाला है, उस पर हमने ये कमर तोड़ महंगाई पथ यात्रा का शुभारंभ किया। आज देखिए, जो गैस का सिलेंडर 4 वर्ष पहले 430 रुपए का आया करता था, आज 850 रुपए का हो गया और महंगाई आसमान छू रही है। इसलिए पूरे प्रदेश में इस प्रकार के आयोजन किए जाएंगे। हम सिर्फ मोदी साहब को ये जताना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे और आर्थिक स्थिति इतनी अधिक अच्छी भी नहीं थी और जो क्रूड ऑयल था उसमें 130 रुपए प्रति डॉलर मिलता था, आज क्रूड ऑयल 75 रुपए मिल रहा है। उस समय पेट्रोल 130 डॉलर प्रति बैरल मिलने के बावजूद हमारे जो पेट्रोल के दाम थे वो 70 और 71 रुपए से कभी आगे नहीं गए और जो हमारे पेट्रोल डीजल के दाम थे वो 56 रुपए से कभी आगे नहीं गए। आज हम क्रूड ऑयल जो है वो 75 रुपए प्रति बैरल मिल रहा है, फिर भी पेट्रोल के दाम 75 रुपए और जो डीजल के दाम है वो 60 रुपए बढ़ रहे हैं। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है और आम जनमानस पर उसका असर पड़ता है। आज किसान त्राही त्राही कर रहा है, महिलाएं महंगाई की मार से त्राही त्राही कर रही है और जो युवाओं को रोजगार देने की बात मोदी साहब ने की थी 2 करोड़ लोगों को, वो सब बातें झूठे निकले। इसलिए इस प्रकार के आयोजन कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में करना चाहती है। सुक्खू जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। हालांकि जयराम ठाकुर के सीएम बनने से प्रदेशवासियों को इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सरकार अभी तक तो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। प्रदेश में भाजपा के 4 माह के कार्यकाल में जो कानून व्यवस्था का हाल है वह प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। अब तक प्रदेश में करीब 65 दुष्कर्म और 35 हत्याओं के मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश के आम लोगों के साथ साथ अधिकारी व कर्मचारी भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे देवभूमि की छवि खराब हो रही है और इसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि कानून व्यवस्था में जल्द सुधार लाए, अन्यथा कांग्रेस इस बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। वहीं लोकसभा चुनावों की आहट के बीच कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी कौन होंगे, इस बारे में सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना था कि कांग्रेस हाईकमान ही प्रत्याशी तय करेगी और पूरी पार्टी उस प्रत्याशी का समर्थन करेगी। चुनावों में नए चेहरों के सवाल पर भी सुक्खू गोलमाल जवाब देंगे। 4 महीने विधानसभा चुनाव हुए हैं और हम सत्ता में नहीं है, लेकिन आप जिस प्रकार का जोश कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस दे। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहना है? देखिए, बड़ी दुख की बात है, जयराम जी युवा है, 5 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने खुद कहा था कि हमारी सरकार सत्ता में आई है और हम अपना रोड मैप बनाएंगे और रोड मैप 100 दिन का बनाया और जब 100 दिन के बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कहा हमने कुछ छुटपुट कार्य किया, हम आने वाले समय में और बड़े कार्य करेंगे। पर सबसे बड़े दुख की बात है कि कानून व्यवस्था पिछले 60 साल में ऐसी कभी नहीं थी जो आज 4 महीनों में हुई है। पहली बार 65 के करीब बलात्कार छेड़छाड़ की घटनाएं और शिक्षकों द्वारा छात्रों से बदसलूकी की घटनाएं आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं। 100 दिन के कार्यकाल में 65 के करीब इस प्रकार की घटनाएं हुई और 35 के करीब हत्याएं हुई, तो 100 दिन के कार्यकाल में 65 के करीब बलात्कार और 35 के करीब हत्याएं हुई। अगर उन्होंने कानून व्यवस्था में
चुस्ती दुरुस्ती नहीं लाई और पुलिस के पेच नहीं कसे तो आने वाले हिमाचल प्रदेश को जो देवभूमि कहा जाता है, जो शांत प्रदेश कहा जाता है, तो इसकी कानून व्यवस्था और बिगड़ेगी। इस संदर्भ में मैं और भी कहना चाहता हूँ कि जयराम सरकार को आए दिन कानून व्यवस्था पर हर हफ्ते कोई न कोई बैठक करनी चाहिए और पूरे जिलों का हाल पूछना चाहिए। मौजूदा परिवहन